हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशन बीएचयू पाठशाला का जिन लोगों को भी न्यू कोर्स ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, अपना कोर्स डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लॉ वीडियो, टॉपर स्टॉक और बहुत सारे काउंसलिंग पे कंटिन्यूस हमारे वीडियो आ रहे हैं। पीजी की काउंसलिंग चल रही है, यूजी के बच्चे काफी परेशान है, वो अपने पोर्टल को लेकर परेशान है, अपने कॉल लेटर को लेकर परेशान है और अपने काउंसलिंग आगे के जो भी प्रोसीजर है उसको लेकर परेशान है। मैं यहाँ पे पूरे डाउट्स उनके क्लियर करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले सभी वीडियोस को देखिएगा। आने वाले 10 दिन आपके लिए थोड़ा सा ये स्ट्रगल का होता है, आपको इसमें टाइम देना ही पड़ेगा। हम लोगों ने अपने टाइम पे दिया था खुद को टाइम, तो ये आपका एडमिशन प्रोसेस है, खुद के लिए ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो काउंसलिंग पोर्टल है उसको मैं मोटी मोटा समझा दूं। नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे आप देखोगे कि ओपन होने लगेगा। आप लोग अपने क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट कर दो पूरा, एक नए पेज से फिर से लॉगिन करो, वो होने के पूरे चांसेस है। अदरवाइज आप वेट करो, ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम बस आपके साथ नहीं है, सभी के साथ है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, काउंसलिंग लेटर आज शाम को धीरे धीरे अलग अलग फैकल्टी मीन सोशल साइंस, आर्ट्स, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, फैकल्टी वाइज, क्योंकि ये जो काउंसलिंग लेटर इशू होने का जिम्मा होता है ये बीएचयू सेंट्रल ऑफिस का नहीं होता है, किसका होता है, फैकल्टी का होता है। तो फैकल्टी अपने सुविधा अनुसार आज शाम कल मॉर्निंग तक आपके पोर्टल पे कॉल लेटर देने की जिम्मेदारी की बात की है। ठीक है, अगर मैं तीसरे बात की प्लान की बात करूं तो आपकी काउंसलिंग डेट बदल रही है। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स मैं अपडेट दे रहा हूं, काउंसलिंग डेट, इसके पहले पीआरओ ऑफिस जो कि जल्दबाजी में ऑलरेडी आपको काउंसलिंग डेट और काउंसलिंग पोर्टल कॉल लेटर की डेट दे रखी थी जो कि 12 तारीख था, आपने देखा कि नहीं आया। उन्होंने 16 को काउंसलिंग डेट भी बता रखा है जो कि नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि वो अलग मुद्दा है, उसको मैं कभी बाद में समझाऊंगा, अभी आपको उसमें नहीं फंसना है, आपको अपडेट रहना है, आपको अपने काउंसलिंग प्रोसीजर को फॉलो करना है बेसिकली। तो मैं आपको इतना समझा दे रहा हूं, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रिपेयर कर लो। आपकी जो काउंसलिंग 16 को होनी थी यूजी वालों की, उसमें फैकल्टी को दिया गया है, फैकल्टी अभी पीजी की काउंसलिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर रखी है, उसके जो इम्प्लाई है वो पीजी में बिजी है, जिसकी वजह से आपकी जो काउंसलिंग है यूजी स्टूडेंट्स की वो डेट एक्सटेंड होगी, वो 16 को ना होके वो अब 20 तक जा सकती है। आई होप कि शायद, हाँ एक और अपडेट मैं आपको इसमें अगर हम एविडेंस के साथ बताऊं तो साइंस का आ चुका है मेरे पास, उसका एविडेंस भी है, मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। उनका 21 तारीख से काउंसलिंग होने जा रहा है, मैं उसके बेसिस पे बता सकता हूं कि आर्ट्स, कॉमर्स, बाकी के जो यूजी कोर्सेज हैं उनकी काउंसलिंग जो है वो अब होगी 20 तारीख के बाद। तो आप लोग को ये जो डेट है, टाइमिंग है, ये पत्थर की लकीर नहीं है, मैं भीसी नहीं, ना ही वो भीसी साहब भी कुछ बता सकते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें रिजिड, हार्डनेस, स्ट्रांगनेस, कोई बात कम होना, ज्यादा होना, ये पूरी चीजें इन्वॉल्व होती है। बार बार मैं वर्ड यूज करता हूं, आपको रहना है अपडेट, चीजें बदल सकती हैं भाई, ऑफिशियल वर्क होता है, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, बस बने रहना। मैं हमेशा से बोला हूं बीएचयू पाठशाला की पूरी टीम आपको पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर में हेल्प करेगा और पूरे ग्राउंड लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर, थोड़ा आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा और 100% हम लोग अपनी काउंसलिंग को अच्छे से पूरा समाप्त करेंगे और फिर एडमिशन लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लें, कोई अपडेट छोड़ देना पाए। मुस्कुराते रहिए।